और गाइस छोटे पैकेट को देखो कैसा भोक रहा है। शायद इसे छोड़ने का रीजन यही था, इसके भाई पूरे शरीर पे एलर्जी हो रही। तो गाइस कर ली फाइनली रेस्ट, पैर में भी चोट लग रही है इसके। ये देखो भाई कैसा लंगड़ा के चल रही है, देखना दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम सेम है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस बिल्कुल अभी एपिसोड होता, पीछे देखो भाई हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। कौन सा कुत्ता बढ़िया लगा सारों में रोक। ये छोटे पप्पी को देखो कैसे खेल रहा है इसके साथ, सभी के गले लग रहा। और गाइस ये भी सारे के सारे पूंछ हिला रहे देख के। देखना भाई सारे के सारे कैसे लाइन लगा के लौट रहे। लौट तो बस चिंटू रहा, और तो सारे के सारे घूम फिर रहे। बच्चों ने कोको को घेर लिया, और गाइस कोको भी हमारी बिल्कुल फ्रेंडली है रोक की तरह। देख लो दो लोग, ये पिटबुल अमेरिकन एग्रेसिव हो गया। देख लो भाई हमारा रोक कैसा खेल रहा है सबके साथ। इसे तो चाहिए तो कुछ कर लिया, उठने का ही नहीं उठने का। हाँ की तो खोल ली, नीचा तो नहीं उतरा, नीचा उतार के दिखा नू तो है नहीं तो पटक देगा आराम से। गोदी में उठा लिया, उठने का ना रहने दे, तेरे से बड़ा तो चिंटू ही है। चिंटू खेल बना दी उन्होंने, चिंटू का साथ तुरंत सिम्बा ना दिया। नो कह रहे छेड़ा मत, वैसा तो भाई दोनों को दुश्मन नहीं है, बट भाई सिम्बा ने चिंटू का साथ दिया। ये भाई का पैर खींच रहे थे ना। और गाइस ये घूम रहा अपना रेड किंग चीता, पता नहीं भाई से क्या दिख रहा। सुबह से भाई की बोई बो रही क्या है रेड किंग, बार बार इस पेड़ के पास जावे। और गाइस बोक है, पता नहीं भाई क्या दिख रहा, पीछे से भाई सिम्बा भूखा लग रहा। रोक को देखो यहाँ पर खड़ा, रेड किंग साइड हो गया, रोक हमारा ये रहा। बट भाई इन दोनों के बीच में हमेशा की तरह दीवार है, एक ऊपर होगा रहा नहीं जाता। और गाइस हमारे मिस्त्री भाग गए, वरना भाई रेड किंग का नीचे सेटअप बनवाना था, रेड किंग का सेटअप भी, और गाइस यहाँ बाउंड्री भी करवानी थी, जिससे कि मेरे सारे सारे डॉग सेफ रहे। एक बार भाई यहाँ पे बाउंड्री हो जाए फिर तो भाई छोटे पैकेट की भी दिक्कत नहीं है ना, भाई छोटा पैकेट गिर सकता ना भाई ये गिर सकते। और गाइस छोटा पैकेट ही सही भोग रहा, वहाँ पर जंगल में कुछ देख के रेड किंग को भोग रहा। छोटा पैकेट नु कह रहा मुझे भी ले जा। तो गाइस अभी ना बिल्कुल खाना वाना रख दिया। और गाइस रेड किंग को देखो कैसे देख रहा चिंटू को, साले को बम से उड़ा दूंगा। तो गाइस अभी चिंटू को नीचे भेज दिया। और गाइस आज रोक के साथ एग्रेशन हो गया था रेड किंग का थोड़ी देर पहले, रेड किंग तो भाई चिंटू के ऊपर एग्रेशन कर रहा था। और गाइस यहां से रोक आ गया, दोनों के दोनों भाई पिंजरे में लड़ गए। क्या बोला तूने? रेड किंग के फेस पर देखो भाई खून निकलेगा, क्योंकि भाई जोर लगा रहा था ना अंदर से। अब भाई साहब बाहर निकालते हैं, रोक को नीचे भेज दिया। वैसा भाई ज्यादा एग्रेशन तो हुआ नहीं, मैंने भाई रोक को तुरंत पीछा कर दिया था, बट भाई ये है कि चिंटू की वजह से इन दोनों का एग्रेशन हो गया, क्योंकि भाई रोक का दोस्त है ना चिंटू, फिर भाई रोक को साथ देना ही पड़े। आज भाई रेड किंग के साथ लड़ गया होता, अगर भाई के जिलेंदर ना होता रेड किंग। कोको को देखो टायर का टुकड़ा उठाई फिर रही। और गाइस मैंने टायर को हाथ में ले लिया ना, देखना भाई कैसे जंप लगा रही। और तो और ये छोटा पैकेट भी जंप लगा हुए, देखना भाई कैसे मस्ती कर रहे दोनों दोनों। और गाइस रेड किंग को पीछा पकड़ रखा, वरना भाई रेड किंग आते ग्रिप लगा लगा। ओ तेरी लगा ली भाई, लगा ली ग्रिप लगा ली, रेड किंग भी लग गया। तो गाइस अभी एक काम करता हूँ, कोको को अंदर छोड़ देता हूँ, फिर भाई रेड किंग की ग्रिप लगाऊंगा। चलो भाई रेड किंग चीते लगा ग्रिप, जाली कोको अंदर। अब भाई इसके लगवाते हैं थोड़ी बहुत देर। और गाइस एक साइड से शिवम पकड़ रहा है, एक साइड से मैं पकड़ रहा, क्योंकि भाई रेड किंग ज्यादा झटके मारे हैं, फिर भाई हाथों में दर्द हो जा, समझ रहे हो। एक काम कर, इसका ऊपर खड़ा हो जा, होइए खड़ा, चोट तो लगवाना लिए। आ जा आ जा आ जा रेड किंग, आ जा आ जा। मजा नहीं चना गिरता है, अरे खड़ा तो जाओ, पर इस पे दीवार पर खड़ा नहीं। और गाइस छोटे पैकेट को देखो कैसे भोक रहा है, रेड किंग ग्रिप लगा रहा ना, इसे देखकर नु कह रहा तू क्या कर रहा, देखना भाई कैसे भोक रहा। तो गाइस बहुत देर होगी इनकी साथ मस्ती, अब भाई एक दोस्त के पास चलता हूँ, उसके पास एक पिटबुल की फीमेल है वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये वो पिटबुल की फीमेल, और गाइस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जाइए रे ब्रश के पास जाइए। ऐसा तो भाई कह रहा कुछ कहने की नहीं, शिवम तो जाइए इसके पास, शिवम तो पहले भाग गया। सीधे पैर पर अटैक करे, सभी के पैरों पर नजर है इसकी, देखना भाई इसके पास पैर ले जाती कैसे करेगी। गुड बाय। तो भाई साहब एक की दोस्ती को लाई, हमारे गांव में कोई पिटबुल का मेल छोड़ कर भाग गया, शायद भाई उसका एलर्जी वगैरह हो रही। चल का भाई देखता हूँ क्या सीन है, शायद भाई फीमेल है पिटबुल की, और कई से एलर्जी हो रही इसका, देखता हूँ भाई पूछ लावे क्या, वरना भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, क्या पता अटैक कर दे। ले 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 जूली जिम्मी, क्या नाम है तेरा, ले 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 के कहीं नहीं काटने की, ले ले आजा आजा, अरे कुछ नहीं पकड़ने की, ले ले ले। और गाइस पूरे शरीर पे एलर्जी हो रही इसके, शायद भाई किसी ने इसी वजह से छोड़ दी। भगत को बिस्कुट लेने के लिए भेजा, थोड़ा भाई पहले बिस्कुट वगैरह खिला के पटाना पड़ेगा, वरना भाई मुझे फाड़ देगी। खिलाता हूँ इसे, देखता हूँ खबर क्या। बस भाई मेरे ऊपर अटैक वटैक ना करते, ना ना पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। पैर में इसका फर्क, चोट वोट है क्या? चोट है पैर में पूरे को, आप पीछे को, पीछे को तो बोला चोट है। तो गाइस फाइनली पूछ हिला दी, अब भाई है कि मैं खतरे से बाहर हूँ, मेरे ऊपर अटैक नहीं करने की। अब भाई से थोड़े से बिस्कुट बिस्कुट खिला के फिर भाई घर पर लेकर चलेंगे। वैसे भाई साहब घर पर ले जाने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई मेरे बाकी डॉग्स का फंगस फैल सके। बात तो सही है, बट भाई चलो कोई नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लिखा ले। और गाइस शायद इसे छोड़ने का रीजन यही था, इसके भाई पूरे शरीर पे एलर्जी हो रही, या तो भाई एलर्जी की वजह से छोड़ रहे लोग बाग, या फिर भाई एग्रेसिव हो जाए डॉग तब छोड़ रहे। एग्रेसिव तो भाई है नहीं, अगर भाई एग्रेसिव होती मेरा पैर खाती बिस्कुट नहीं खाती, ज्यादा बिस्कुट नहीं खिलाता, घर पर चलकर खाना खिलाऊंगा, ज्यादा बिस्कुट भाई खिलाने ठीक नहीं। आजा चलेंगे, ले भाई बाकी बचे हुए बिस्कुट तू खा ले। और गाइस सब तो देख लो पूंछ वगैरह हिलाने लगी, आजा आजा।
देख लो कितनी ज्यादा कमजोर हो रही, पता नहीं भाई कितने दिनों से घूम रही थी खेतों में, कितने दिन तक घूम रही थी, 8 से 7 दिन से तो मैं देख रहा था। चल गया भाई इसका ट्रीटमेंट करूंगा, और गाइस बाइक पे बैठने को देखो कैसे कर रही है, अरे वाह बाइक पे बैठने को रही खुद ही, अरे कुछ नहीं कहने की पूछ ला रही देख। तो गाइस कर ली फाइनली रेस्ट, और गाइस देखना कैसे बैठी मेरी गोद में, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। और गाइस अभी के लिए इस वाले कमरे में शिफ्ट करता हूं, यहां पे भाई कोई सा भी डॉग नहीं आने का। तो गाइस अभी रोक आ गया था बाहर, जल्दी कर दे अंदर, जल्दी कर दे। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है इस वाले कमरे में, कोई नहीं आने का, इसे भाई यहां पे बांध देंगे। बाहर से सारे के सारे डॉग्स भौंकने लग रहे, उन्हें ये लग रहा पता नहीं कौन आ गया। बस चुप हो जाओ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, रोको कोको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। देख रे कौन है अंदर, ओए सिम्बा बारी रे, बारी रे, चल बाहर, चल चल बाहर, ओए सिम्बा बाहर, चल चल अंदर मत आइए। शायद काफी दिनों से भूखी थी, देखना भाई कैसे खाने लग रही, अभी तो भाई से रोटी खिला दी, थोड़ी बहुत देर में से खाना खिलाऊंगा अच्छे से। तो गाइस अभी अपने गांव के स्टोर पे मिल गई दवाई, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। और गाइस वीडियो सिनेमैटिक में बना रहा, हमारे डॉक्टर साहब थोड़े से वे हैं, कैमरा साई बंदे नु कह रहे मेरी शिकल ना दिखाइए। अच्छा वीडियो को नहीं बनानी तेरे को, बस पहले अभी बच्चे सुन ले, हर चीज के क्राइटेरिया हो। हां बड़ी गलत तेरी वीडियो, चीटिंग करता है तू। लो भाई बाल को थारे कट सुमा ठोक दो, पिछवाड़ा कर अपना, पिछवाड़ा कर जल्दी, तू बहुत असर हुआ तेरा, लगाऊं लग गया दर्द हुआ, हुआ तो नहीं, देख ला कितना बढ़िया डॉक्टर हूँ, दर्द नहीं होता, लगा दू इसका, लगा दू मेरा ना हो रहा कुछ भी। बस भाई इंजेक्शन हो रहा, आराम से लगवा ले। वैसे तो भाई आराम से लगवा रही अभी तक, पेट भी नहीं रही बिल्कुल भी, कुछ भाई तो बोल रहा आराम से लगा रहा, ए बस लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद इसे पता चल गया कि हम इसे ठीक ही कर रहे हैं। वैसे ये वाला इंजेक्शन लगेगा इसके पिछवाड़े पे, बस ये आराम से लगवा लियो, वो पहले वाला तो इसने आराम से लगवा लिया। मेरा भाई एक बार ध्यान तो इसके मुंह की तरफ हुआ, वही तो दिखा लिया, सोच रहा भाई मास्क पहनाता हूँ तब लगाऊंगा बाकी इंजेक्शन, वरना भाई अटैक कर देगी, कर तो इसने अब भी दिया था, वो तो एकदम समय पीछे हो गया। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, मास्क पहना दिया, अब लगाता हूँ इसका। अब भाई रोक सके पप्पी, इसको दूध पिलाता हूँ। और गाइस सबको देखो कैसा भोग रहे, सामने बंदर आ रहे ना, रख दे सब पप्पी इसको दूध। और गाइस छोटे पैकेट को देखो, ऐसा जगह नहीं मिल रही, नु कह रहा मुझे भी दे दो। ओए रोक्सी मान जा, रोक्सी इसके ऊपर अटैक कर रही, मान जा साले का खोपड़ी तोड़। तो गाइस पिला दिया सभी पप्पी इसको दूध, और गाइस यहां पे बंदर भगा रहे ऊपर, भाई बंदर आ रहे ना। अब भाई तीनों टायर में लगे रहेंगे। और गाइस छोटे पैकेट को देखो कैसा भोक रहा है, इन्हें कह रहा छोटा पैकेट क्या कर रहे तुम। और गाइस ओनली रोकू लेकर जाऊंगा आज, भाई को नहीं लेकर चलता, वरना भाई फिर वह परेशान हो जाओ। बात सही है, मौसम देखो कितना भयंकर हो गया, शायद भाई बारिश होगी। चल भाई रोकू उतर जा नीचे, गया जामुन तो खा ली। और गाइस ऊपर चिट्टियों ने मुझे खा लिया, ऊपर भाई दुनिया भर की चिट्टी थी सारी की सारी चिपट गई, अब भाई नीचे उतरना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गाइस रोकू देखो कैसा मस्ती कर रहा, एक बार इस साइड को जावे, एक बार इस साइड को जावे। देखो मेरी बाइक के साथ छेड़खानी कर रहा ना, रोक भाई पूरे गुस्से में आ गया, रोकू देखे मेरी बाइक को छेड़ रहा। और गाइस सोच रहे कल को रोक के साथ प्रैंक करेंगे, और गाइस बहुत कड़ा प्रैंक करेंगे, देखना भाई कल को उसका क्या भयंकर रिएक्शन आने वाला, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल को भाई से थोड़ा सा परेशान सा भी करेंगे, और गाइस रिएक्शन भी देखेंगे, प्रैंक कौन से वाला करेंगे ये भाई कल को ही देखना वीडियो में। रुको जरा, रोक मेरा बहुत ज्यादा लगाव कर रहा है इसलिए भाई पूरा भयंकर रिएक्शन आने वाला, कल को देखना भाई। रोकू इसके अंदर मत घुसे, बाइक पे बैठ कर जाना, जल्दी आप बाहर निकल गए, किसी ने भाई अपने पैर तो गंदे कर लिए, अपना पिछवाड़ा ना कर ला भी। तो गाइस अब रोकू लेकर घर वापस चलते हैं। और गाइस इस बार बाइक क्यों चलाऊंगा, इसलिए चलाऊंगा क्योंकि इसके भाई पैर गंदे हो रहे, ओए नीचे गिर दिया तेरे, पता बटाना भी नहीं आता, रोक बैठ जा। तो गाइस बैठ गया हमारा रोक, और गाइस ये रहे हमारे सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे थे। अच्छा ये क्या भी खड़ा, अब भाई थोड़ी देर में रेड किंग को लेकर आऊंगा। और गाइस पीछे देखो सब्सक्राइबर भी टंग लिए, सारे के सारे जान लग रहे हैं, यहां तक काटे ना गिर दे YouTube पर सारी की सारी। अच्छा भैया वीडियो काटनी नहीं, नहीं। हाँ। लो भाई इसकी शक्ल देख लो, ये वीडियो मजा काटनी नहीं। तो गाइस आ गया रोक को लेकर, और गाइस रोक से बाहर घूम रही थी, रोक से कहां रहने लगी तू आजकल, नीचे उतर भाई रोक, उतर जा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। अब भाई रेड किंग को लेकर आता हूं, रेड किंग को ले जाने से पहले एक बार से फ्रेश वगैरह करवा दूं, क्योंकि भाई सुबह से ऐसे ही बंद रही। हमारे वाले रोक की बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कंडीशन थी जब भाई मैं रोक को लेकर आया था, रोक भी भाई मुझे ऐसे ही मिला था जैसे मिली, पैर में भी चोट लग रही इसके, ये देखो भाई कैसे लंगड़ा के चल रही, बट भाई चलो कोई नहीं हो जाएगी ठीक। और गाइस बाइक पे बैठने का बहुत ज्यादा शौक है, देखना भाई कैसे बाइक पे पैर रख रही। तो गाइस आ गया रेड किंग को लेकर खेत में, चल भाई रेड किंग चीते, अरे पहले भाग गया, रुक जा रुक जा, गया। और गाइस रेड किंग को रोज रनिंग करने की आदत हो गई, अरे रनिंग करता करता गल लगा बेचारे का, रनिंग करते करते का प्रेशर बन गया, रुक 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 रुक। तो गाइस रेड किंग को पकड़ना पड़ा, ओए रेड किंग रुक 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 रुक, सामने भाई एक डॉग है। और गाइस सामने एक नहीं बहुत सारे डॉग है, ये देखना भाई भी बैठे, वो तो भाई शुक्र है मैंने पहले दमका सीधा था, आ जा भाई रेड किंग चीते, अब तो बंद गई चलिए। और गाइस रेड किंग का सारा ध्यान उन्हीं के ऊपर है, साले को बम से उड़ा दूंगा। और गाइस सामने से वो एग्रेसिव पिटबुल की फीमेल आन लग रही, जो भाई सुबह दिखाई थी। और गाइस रेड किंग को देखो कैसे देख रहा, वैसे तो भाई रेड किंग पूंछ हिला रहा बट भाई फिर भी पता नहीं चलता। और गाइस देखना दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम सेम है, बस भाई फर्क ये है इसके कान कट रहे, और गाइस रेड किंग के कान नहीं कट रहे। तो गाइस अब रेड किंग को लेकर बबडून के पास चलते हैं, उसके पास जो रोड किलर का मेल है उसका भाई चोट सी लगी, चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। ये बंदरा रोड का मेल, इसका
भाई ट्रीटमेंट करते हैं, इसका भाई चोट लगी थी, कैसे कैसे करके काबू करा, अब भाई करते हैं इसका ट्रीटमेंट। रेड किंग को देखो इन सबके बीच में कैसे बैठा, ये बैठा पीछे हमारा बोबिडोन। बोबिडोन कैसा लगा हमारा रेड किंग का? पहली बार मिला हो तो इससे? अरे नहीं, गांव में थोड़ी बार मिल गया मुझे। अच्छा मिल गया। तो गाइस आ गया रेड किंग को लेकर घर पे, और गाइस रोक से ये पप्पी चिल्लाने लग रहे, अब भाई ना दूध वगैरह पिलाता हूं। और गाइस आज के लोग कैंडी भी दे करता हूं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लाइक टू माय सब्सक्राइब और कर देना। चुप हो जाओ, क्यों रोने लग रहे? बिल्कुल चुप।